आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य क्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए रीवा में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संचालन के बाद से ही लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर अब भी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी बनी हुई है, जिसके कारण मरीजों को भी काफी परेशानी होती है और इलाज कराने के लिए बाहर के शहरों में जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन चलाने वाले डॉक्टर पदस्थ नहीं है, जिसके लिए संजय गांधी अस्पताल से डॉक्टर बुलाए जाते हैं। वहीं न्यूरोलॉजी विभाग की मशीनों को मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में भी डॉक्टरों की कमी बरकरार है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों की खोज में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब से अस्पताल की शुरुआत हुई है, तब से ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इन विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। दरअसल पहले रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए बाहर के शहरों जैसे नागपुर, लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ता था, जिसके कारण बेहतर इलाज के लिए रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी गई। परंतु यहां भी अब विशेषज्ञों और अच्छे डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्य रूप से न्यूरो विभाग के न्यूरो फिजिशियन और न्यूरोलॉजी डॉक्टर की आवश्यकता बनी हुई है, तथा न्यूरो विभाग की मशीनों को चलाने के लिए विभाग से जुड़े ऑपरेटर नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में अभी कुछ डॉक्टर्स की कमी जरूर है, जिसमें से हमारे कुछ विभाग संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इसमें हम देखें तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे को हम न्यूरो फिजिशियन कहते हैं, वो अभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अभी हमारे पास ज्वाइन नहीं किया है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हर महीने हम लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और जो लोग भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम सेलेक्ट करके उसको प्रतिस्थापना करते हैं। न्यूरोलॉजी ना आने की वजह से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा डॉक्टर्स की कमी है। इसके अलावा जो हमारे न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, बच्चों वाला डिपार्टमेंट है, उसके भी डॉक्टर्स की कमी है, वो भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। परंतु हम थोड़ा बहुत उसको मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होकर संचालित कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर्स वहाँ से आके इसको संचालित कर रहे हैं। साथ ही न्यूरोलॉजी में भी हमने कोशिश की है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट से जो भी हमारे न्यूरोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे EEG मशीन, NCV मशीन, वो हमारे वहाँ के डॉक्टर्स आके उसको संचालित करते हैं, और हमारे यहाँ के जो ट्रेंड स्टाफ को हमने ट्रेनिंग देकर वो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं और वो भी टेस्ट हम संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है, उसके लिए भी संजय गांधी अस्पताल से जो वहाँ पे पदस्थ रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो आके यहाँ की जो मशीन सोनोग्राफी मशीनें हैं उसको संचालित करते हैं, और समय आप 2-3 घंटे तक सोनोग्राफी प्रतिदिन की जाती है। साथ ही CT स्कैन, जो हमारे यहाँ CT स्कैन मशीन लगी है, उसमें रिपोर्टिंग की समस्या को दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट की है पहली बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी। तो जितने भी केसेस दिन भर में 24 घंटे हमारी CT स्कैन संचालित हैं, और जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन के माध्यम से रिपोर्टिंग की जाती है। इसके अलावा एक्सरे वगैरह सभी हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का संचालित है। हमारे यहाँ जो पोस्ट खाली हैं, जैसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उसके डॉक्टर्स चूँकि सीटें हैं, जो DM की सीटें रहती हैं वो बहुत कम रहती हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग जो रीवा के हैं वही लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बाकी जो डॉक्टर्स रहते हैं वो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ ही काम करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो संजय गांधी में कुछ डॉक्टर्स हैं जो न्यूरोलॉजी में DM कर रहे हैं, और वो अगले एक साल में वो यहाँ आ जाएंगे और उनके उपलब्धता से हम लोग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तो वैसे कोशिश ये है सुचारू रूप से संचालित हों। जैसा कि न्यूरोलॉजी विभाग में हमने कहा कि NCV और EEG मशीन है, ये चूँकि सप्ताह में 3 दिन वहाँ से डॉक्टर्स आ पाते हैं, तो महीने में सप्ताह में 3 दिन वो मशीन संचालित होती है, तो डेली संचालित नहीं हो पाती है। इसके अलावा रेडियोलॉजी और उसमें तो सभी मशीनें संचालित हो रही हैं। न्यूनेटोलॉजी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो संचालित नहीं हो पाते हैं, बट वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी यूज़ करें।